नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों CSK वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले के बारे में, जो कि IPL 2020 का 37th मुकाबला रहेगा दोस्तों, जो कि 19th अक्टूबर 2020 को खेला जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इस मुकाबले के वेन्यू के बारे में, हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, टीम में अगर कोई न्यूज़ है उस बारे में, टीम परफॉर्मेंस के बारे में, ऑफ कोर्स इस वेन्यू पे टीम का परफॉर्मेंस कैसा है और IPL में टीम का परफॉर्मेंस कैसा है, दोनों चीज़ों के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, हॉट पिक्स के बारे में और हमारे हाई परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज़ मेरे प्रेडिक्शंस बहुत ही अच्छे जा रहे हैं दोस्तों। आज के मुंबई और पंजाब के मैच में भी जो कैप्टन वाइस कैप्टन के थे राहुल और डिकॉक का प्रेडिक्शन मेरा बहुत सही गया है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं और ज़रूर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में। वेन्यू रहेगा दोस्तों आबू धाबी की पिच की अगर बात की जाए तो न्यूट्रल पिच है। अभी पेसर्स को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करने लगा है दोस्तों, बट ज़्यादा कुछ पिच में जान नहीं है कि फुल बैटिंग को सपोर्ट कर रहा है, फुल बैटिंग को बॉलिंग को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो न्यूट्रल पिच रहेगा दोस्तों। हेड टू हेड की बात की जाए तो अभी तक CSK और RR में 23 मुकाबले खेले गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 मुकाबले खेले गए जिसमें से CSK 14 बार जीता है और राजस्थान रॉयल्स ओनली 9 बार जीता है दोस्तों। तो यहाँ पर CSK का पलड़ा भारी है। अगर टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अभी टीम परफॉर्मेंस दो जगह पे देखेंगे दोस्तों। हम पहले तो देखेंगे अबू धाबी पे, मतलब जहाँ पे कल मैच है वहाँ पे, और ओवरऑल IPL 2020 में। तो देखते हैं दोस्तों अबू धाबी में टीम का परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं CSK की। CSK अभी तक अबू धाबी में 2 मैचेस खेली है दोस्तों, जिसमें से एक में उनको जीत मिली है और दूसरे में उनको हार का सामना करना पड़ा है। अगर RR की बात की जाए तो RR 2 मैचेस खेली है और दोनों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा CSK का पलड़ा भारी दिखता है। अगर IPL में ओवरऑल IPL 2020 में बात की जाए कि CSK और RR का परफॉर्मेंस कैसा है टीम्स का, बोथ द टीम्स का, तो CSK अभी तक 9 मैचेस खेली है, उसमें से 3 मैचेस जीती और 6 मैचेस हारी है अभी तक। तो इसी वजह से वो अभी तक IPL 2020 के पॉइंट्स टेबल पे 6th पोजीशन पे है दोस्तों। काफ़ी सरप्राइजिंग है CSK 6th पोजीशन पर, बट यस ये सच है, IPL CSK अभी 6th पोजीशन पे है। अगर RR की बात की जाए तो बहुत सा सेम ही है उनका, 9 मैचेस वो भी खेले, सेम 3 मैचेस जीते और 6 मैचेस हारे हैं, बट उनका रन रेट थोड़ा CSK से कम है, इस वजह से RR 7th पोजीशन पे है। अब बात करते हैं दोस्तों हाई परफॉर्मेंस की। दोनों टीमों की तरफ से जो अबू धाबी में हाई परफॉर्मेंस रहे हैं, अच्छे परफॉर्मेंस प्लेयर रहे हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले आते हैं CSK के फाफ डुप्लेसिस। इन्होंने एक 50 लगाई है दोस्तों यहाँ पे 2 मैचेस में। राइडू ने भी एक 50 जड़ा है, 71 रन बनाए थे। वॉटसन ने भी एक 50 किया है। ब्राओ ने एक बार 3 विकेट का हॉल लिया था। ठाकुर और कुरन ने 2-2 विकेट चटकाए यहाँ पे एक एक मैच में। बटलर का जो एक अकेला 50 जो इस IPL 2020 में आया है वो इसी पिच पे आया था दोस्तों, उन्होंने 70 रन किए थे। और श्रेयस गोपाल ने एक बार 2 विकेट्स का हॉल लिया था। तो ये रहेंगे हाई परफॉर्मेंस दोस्तों CSK और राजस्थान की तरफ से अबू धाबी के मैदान पर। अब बात करते हैं प्रोबेबल 11 की, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है कल के लिए दोनों टीमों का। तो चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे पहले बात करते हैं, ऑफकोर्स सैम कुरन रहेंगे, फाफ डुप्लेसिस रहेंगे, शेन वॉटसन रहेंगे, अंबाती रायडू रहेंगे, रविंद्र जडेजा रहेंगे, MS धोनी रहेंगे, केदार जाधव को हम वापस कल देख सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में ना ही उनको बॉलिंग मिली ना ही बैटिंग मिली, तो मेरे ख्याल से उनको वापस कल हम वापस देखेंगे। दीपक चहर रहेंगे, शार्दुल ठाकुर रहेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, करण शर्मा की जगह मैं कल पीयूष चावला को देख सकता हूँ, और क्योंकि वेन ब्राहो पिछले मैच में थोड़ा इंजर्ड थे, इस वजह से एक तो लुंगी निगड़ी या फिर हैजलवुड आ सकते हैं अगर वेन ब्राहो फिट नहीं है तो। तो ये प्रोबेबल 11 हो जाता है दोस्तों CSK के लिए। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात की जाए तो रॉबिन उथप्पा रहेंगे, बेन स्टोक्स रहेंगे, संजू सैमसन रहेंगे, स्टीव स्मिथ रहेंगे, जॉस बटलर रहेंगे, रियान पराग जरूर रहेंगे, राहुल तेवतिया जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं वो भी जरूर रहेंगे, जोफ्रा आर्चर रहेंगे, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी, और एक चेंज अगर एक्सपेक्टेड थोड़ा बहुत है तो जयदेव उनाडकिट की जगह अंकित राजपूत को हम कल खेलते हुए देख सकते हैं। हॉट पिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आज के हमारे हॉट पिक्स रहेंगे, जोफ्रा आर्चर रहेंगे, स्टीवन स्मिथ रहेंगे, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाए थे फिर से फॉर्म में आ चुके हैं, जॉस बटलर रहेंगे, बेन स्टोक्स रहेंगे, फाफ डुप्लेसिस, वॉटसन, रायडू, कुरन और ठाकुर, ये हमारे हॉट पिक्स रहेंगे दोस्तों कल की मैच के लिए। तो दोस्तों चलिए क्रिएट करते हैं हमारा ड्रीम 11 का एक विनिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि ड्रीम 11 का टीम भी हमें क्रिएट करना है और कुछ विनिंग तो ज़रूर बनाना है। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए क्रिएट ओपन करना होगा ड्रीम 11 का ऐप, तो आइए मैं ओपन कर लेता हूँ ड्रीम 11 के ऐप को।
तो दोस्तों मैंने ड्रीम इलेवन का ऐप ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएसके और आरआर का जो मैच दिख रहा है, फर्स्ट मैच ही आपको दिख रहा है। हमें इस मैच पे टीम बनाना है दोस्तों, हमारा ड्रीम टीम बनाना है, तो मैं सबसे पहले इस पे क्लिक कर लूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। ऑफकोर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे, बट हमें क्रिएट करना है टीम फर्स्टली, तो मैं क्रिएट टीम पे क्लिक करूँगा। अभी जैसे कि आपको पता ही है हमें 100 क्रेडिट्स में 11 प्लेयर को बिठाना होता है, और विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि हमें कुछ विनिंग करा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा जॉस बटलर के साथ। ऑफकोर्स ऊपर के क्रम में आ रहे हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इसी वजह से हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। धोनी भी है हमारे लिए ऑप्शन, सैमसन भी है, बट धोनी का कैसा है दोस्तों, नीचे के क्रम में बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो ज़्यादातर उनको बैटिंग नहीं मिलती है। सैमसन है बट इतने अच्छे फॉर्म में नहीं, आप अगर उनके पिछले कुछ मैचेस देखें तो ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया नहीं है, आप देख सकते हैं सिंगल डिजिट डबल डिजिट में ज़्यादा स्कोर दे रहे हैं, तो मैं उनके साथ अभी नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पॉइंट्स का भी दिक्कत होने वाला है, तो मैं उन पर रिस्क नहीं लेना चाहता। बैट्समैन की बात कीजिए तो फाफ डुप्लेसिस को सिलेक्ट करेंगे, ऑफकोर्स उनके पॉइंट देखिए आप, 66 पॉइंट्स अभी तक उन्होंने दे दिए, ऑफकोर्स उनको सिलेक्ट करना बनता है। अंबाती रायडू को जरूर सिलेक्ट करूंगा, पिछले कई दो तीन मैचों से देखो दोस्तों 50-66 मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं, तो मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। वॉटसन भी अभी रंग में आ चुके हैं दोस्तों, इस वजह से हम वॉटसन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। स्टीवन स्मिथ ने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाया था, तो इस वजह से अभी वो भी फॉर्म में टच में आ चुके हैं, हम उनको भी सिलेक्ट कर लेंगे, जरूर अच्छे प्लेयर है। अभी थोड़ा एक ट्रिकी डिसीजन लेते हैं दोस्तों, रॉबिन उथप्पा को सिलेक्ट कर लेते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि रॉबिन उथप्पा को एज ए ओपनर भेजा और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, रॉबिन उथप्पा ओपनिंग खेलेंगे, इस वजह से हम उनको जरूर सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो 5 बैट्समैन मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अभी जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक चेंज ये है कि ऑलराउंडर में तेवतिया के अगर पॉइंट्स देखो आप तो 9.5 पॉइंट्स अभी ड्रीम इलेवन ने कर दिया है तेवतिया के लिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, इस वजह से उन्होंने उनके पॉइंट्स को बढ़ा दिया है, पर अभी इसके वजह से हमें दिक्कत होने वाली है पॉइंट्स में। अभी देखिए राहुल तेवतिया और स्टोक्स दोनों में से मुझे एक को ही सिलेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि दोनों 9.5 पॉइंट्स में आ रहे हैं और ऑलरेडी मैं 5 बैट्समैन सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो मैं 3 ऑलराउंडर सिलेक्ट कर नहीं सकता। ऊपर से अगर मैं 3 ऑलराउंडर सिलेक्ट कर भी लूँ तो मुझे पॉइंट्स का इशू हो जाएगा, इस वजह से, और सैम कुरन को तो ज़रूर सिलेक्ट करना है, तो इस वजह से तेवतिया और स्टोक्स में से एक को ही मैं सिलेक्ट करूँगा, और मैं आज के लिए जाऊँगा दोस्तों स्टोक्स के साथ, क्योंकि स्टोक्स ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग भले ही कम ओवर कर रहे हैं बट ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और पावर प्ले में ही उनको अच्छे रन बनाने का चांसेस है दोस्तों कल के लिए, तो इस वजह से मैं बेन स्टोक्स को सिलेक्ट कर लूँगा। सैम कुरन तो ऑफकोर्स मैं सिलेक्ट करूँगा। अब जाते हैं बॉलिंग की तरफ, ऑफकोर्स जोफ्रा आर्चर को मैं किसी भी मैच में ड्रॉप नहीं करूँगा दोस्तों, तो मैंने जोफ्रा आर्चर को सिलेक्ट कर लिया। अभी मेरे पास 16.5 पॉइंट्स बचे और दो प्लेयर्स को मुझे सिलेक्ट करना है, तो एक होंगे मेरे लिए शार्दुल ठाकुर जिन्होंने काफ़ी बेहतर गेंदबाजी की है, और एक जिन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया है हर मैच में, वो है कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी और शार्दुल ठाकुर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो आप उनाडकट के साथ जा सकते हैं या फिर करण शर्मा के साथ भी जा सकते हैं, 8 पॉइंट्स में आपको दोनों मिल जाएंगे, बट मैं जाऊँगा कार्तिक त्यागी के साथ। तो देखिए दोस्तों टीम प्रीव्यू करता हूँ, मैंने एज अ कीपर जॉस बटलर को लिया है, फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू, वॉटसन, स्टीवन स्मिथ और रॉबिन उथप्पा, ये हमारे 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन रहेंगे कल के लिए दोस्तों। ऑलराउंडर में मैंने फर्स्ट टाइम राहुल तेवतिया को ड्रॉप किया है बिकॉज ऑफ पॉइंट इश्यूज, बट ऑफकोर्स राहुल तेवतिया और सैमसन दोनों अच्छे प्लेयर है दोस्तों। मेरी जो ग्रैंड लीग की दूसरी टीम्स रहेंगी या फिर आप जब भी ग्रैंड लीग के लिए दूसरी टीम्स क्रिएट करेंगे उनमें ज़रूर सैमसन और राहुल तेवतिया को ट्राई कीजिएगा। अगर आगे बात की जाए बॉलिंग की तरफ, तो बॉलिंग मैंने ठाकुर, त्यागी और जोफ्रा आर्चर तीन को सिलेक्ट किया है, जो तीनों के तीनों अच्छे खेल रहे हैं दोस्तों, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे विकेट्स ले रहे हैं, तो ऐसा रहेगा दोस्तों मेरा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि आपको ऑफकोर्स विनिंग कुछ ना कुछ करा के देगा। ज़्यादा बड़ी लीग्स में ट्राई मत कीजिए दोस्तों, बड़े पैसे के पीछे मत भागिए, स्मॉल स्मॉल लीग्स खेलिए और जीतिए दोस्तों। तो ठीक है अभी चलते आगे, कंटिन्यू करता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो सेफेस्ट ऑप्शन है आपको वो मैं दिखा देता हूँ मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से बटलर आपके लिए एक मस्त तो अच्छा ऑप्शन रहेंगे, फाफ डुप्लेसिस भी अच्छा ऑप्शन रहेंगे, ऑफकोर्स स्टीवन स्मिथ रहेंगे और सैम कुरन, ये चार जो है दोस्तों ये सेफेस्ट ऑप्शन आपके लिए रह सकते हैं कल के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। थोड़ा अगर तुक्का लगाना है तो वॉटसन और राइडू के साथ भी जा सकते हैं, वॉटसन ऑफकोर्स अच्छे फॉर्म में, राइडू अच्छे फॉर्म में, फिर भी सेफेस्ट मेरे लिए जो है बटलर, फाफ डुप्लेसिस, स्टीवन स्मिथ और सैम कुरन यही रहेंगे। तो ये चार पे आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ी अगर आप ज़्यादा मोर देन 2-3 टीम्स लगा रहे तो ऑफकोर्स वॉटसन, राइडू, सैमसन इनको ज़रूर ट्राई कीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो ठीक है दोस्तों ये रहता है मेरा विनिंग एक ड्रीम इलेवन का टीम जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है।
मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन के भी सजेशंस आपको दे दिए, ऑफकोर्स मोर देन टू सजेशन देता हूँ ताकि आप अलग अलग लीग्स में अलग अलग टीम्स बना पाए और अलग अलग टीम्स में अलग कैप्टन वाइस कैप्टन लगा पाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी टीम मेरे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका अगर कुछ फीडबैक है मेरे लिए तो ज़रूर लिख के दीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।